नमस्कार जोहार, मैं विवेक कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार 24x7। झारखंड कोरोना अपडेट में आप सभी का स्वागत है। राहत वाली खबर यह है कि कोरोना के मामले लगातार झारखंड में कम हो रहे हैं और आपको बता दें कि अब नंबर जो हैं वो काफ़ी कम हो रहे हैं। और जब से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह झारखंड में लागू हुआ उसके बाद से ये देखा जा रहा है कि लगातार जो है वो नंबर नीचे आ रहे हैं। और आपको बताते हैं कि बीते 24 घंटे का जो कोरोना रिपोर्ट है वो क्या है, तो आपको बता दें कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में 3,197 नए संक्रमित मरीजों की पहचान जो है वो की जा चुकी है बीते 24 घंटे में। मतलब 3,157 नए कोरोना पेशेंट जो है वो मिले हैं झारखंड में, जबकि कोरोना से ठीक होने वाले की संख्या जो है वो 6,762 हुई बीते 24 घंटे में, 6,762। इसके साथ ही आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में झारखंड में जो है वो 65 मरीजों की मौत भी हुई कोरोना संक्रमण के कारण। और राज्य में जो है वो सबसे ज़्यादा 28 अप्रैल को जो है वो 8,095 मरीज मिले थे, 8,095। इसके बाद मई के पहले सप्ताह में औसतन 6,000 मरीज मिले। हालांकि 7 मई के बाद जो है वो नए मरीजों की संख्या जो है वो घट रही है और ठीक होने वालों की तादाद भी जो है वो बढ़ रही है। मतलब सीधे कहें तो रिकवरी रेट जो है वो झारखंड का वो लगातार बढ़ रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि राज्य में अब तक 3,10,024 पॉजिटिव कोरोना मरीजों की पहचान जो है वो हो चुकी है और इनमें से 2,60,602 मरीज जो है वो कोरोना की चपेट में आने के बाद ठीक हो चुके हैं। और राज्य में जो है वो कोरोना से मरने वालों की संख्या जो है वो 4,366 हो चुकी है अभी तक। और इसके साथ ही बता दें कि अब जो टोटल एक्टिव केस हो गए हैं झारखंड में वो हो गए हैं 41,386। मतलब झारखंड में जो है वो अभी भी 41,386 लोग, 41,386 लोग जो है वो कोरोना की चपेट में है, या हम कहें तो कोरोना से जूझ रहे हैं। आगे आपको बताते हैं कि कौन से ज़िले में जो है वो कितने मरीज मिले बीते 24 घंटे में। तो आपको बता दें कि रांची से जो है वो 465 मरीज मिले हैं, खूंटी से 73 मरीज मिले हैं, बोकारो से 146 मरीज मिले हैं, चतरा से 106 मरीज मिले हैं, देवघर से 108 मरीज मिले हैं, धनबाद से 128 मरीज मिले हैं, दुमका से 22 मरीज मिले हैं, पूर्वी सिंहभूम से 297 मरीज मिले हैं, गढ़वा से 68 मरीज मिले हैं, इसके साथ ही गिरिडीह से 107 मरीज मिले हैं, गोड्डा से 41 मरीज मिले हैं, गुमला से 197, हजारीबाग से 200, जामताड़ा से 63, कोडरमा से 129, लातेहार से 76, लोहरदगा से 94, पलामू से 230, रामगढ़ से 202, साहिबगंज से 19, सरायकेला से 47 और इसके साथ ही सिमडेगा से 103 नए मरीज मिले हैं झारखंड में। तो यही था पूरा झारखंड का कोरोना रिपोर्ट, जो कि बीते 24 घंटे का रिपोर्ट था, जो कि झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किया गया था। मिलते हैं आपसे नए कोरोना रिपोर्ट में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह के खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे लाल कलर का एक बटन होगा उस बटन को क्लिक कर दीजिए और बगल में एक बेल आइकन भी होगा उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, तो जो भी नए खबर आएंगे इस चैनल पे उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।